वेलकम टू एसबी क्लासेस, दिस इज़ शुभम वाजपेयी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देकर भरना है एमपी पुलिस का जब वेरिफिकेशन होगा। तो आपका वेरिफिकेशन जस्ट आपके मेडिकल के बाद होगा, तो चलिए आप देखते हैं कि ये जो अनुप्रमाणन फॉर्म है उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, जो आपको भरना काफ़ी अनिवार्य है कि जिसको बहुत ही ध्यान से भरना है। तो एक एक करके हम सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बहुत से बच्चों के ये डाउट्स आए हैं कि सर मेरा कभी कोई थाने में मामला दर्ज रहा है तो क्या मैं जॉब्स के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, क्या मेरा ये प्रमाण पत्र नहीं है। ये सभी जानकारियाँ इस फॉर्म में हैं। फॉर्म थोड़ा बड़ा है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और साथ ही हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म। तो फॉर्म के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उन पॉइंट्स को बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है फॉर्म का, ये ऊपर देखिए हेडिंग लिखी हुई है अनुप्रमाणन पत्र, मतलब पुलिस यानी वेरिफिकेशन फॉर्म जो आपका एमपी पुलिस में आपको सबमिट करना होता है भर के। तो पहला पॉइंट है पूरा नाम, तो ये तो सभी लोग अपना नाम भर सकते हैं। दूसरा है वर्तमान पता, तीसरा घर का पता जहाँ आपका घर है, तीसरा पॉइंट का जो खा पॉइंट है उसमें पूछा गया कि आप पाकिस्तान के मूल निवासी तो नहीं हैं, और आप चौथे पॉइंट्स में ये बताया गया है कि आप जिन 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 इलाकों में जिन जिन शहरों में रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, उसको बताना है चौथे पॉइंट्स में कि आप किन किन जगहों पे आपने कब से कब तक निवास किया है, तो उसके बारे में बताना है। चलिए चलते हैं पाँचवें पॉइंट्स पर। तो आपका पाँचवा पॉइंट्स जो है वो है आपका पिता का पूरा नाम, वर्तमान पता पिता का, और पिता के बारे में पूरी जानकारी, यदि उनका किसी सेवा या पदनाम जो भी हो वो लिखना है। छठवें पे अगर अपन जाएँ तो हमें अपने व्यक्ति अपने घर के सभी सदस्यों की नागरिकता बतानी है। इसके बाद चलते हैं सातवें पॉइंट्स पे। ये फॉर्म आपको आसानी से मिल जाएगा जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ये ऑनलाइन आ जाता है। तो मैं अभी आपको पहले से बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये फॉर्म कैसा होता है। तो सातवें पॉइंट में आपको आपकी जन्म तारीख भरना है, वर्तमान आयु भरना है, और हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का जो समय है वो लिखना है। आठवें पॉइंट पे आपको अपना जन्म स्थान, जिला और राज्य लिखना है, और जिस जिला में आप निवास करते हैं वो लिखना है। नौवें पॉइंट्स में आपको आपका धर्म बताना है, अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको वो बताना है। दसवें पॉइंट पे आपको अपनी शैक्षणिक अर्हताएँ बतानी, मतलब क्वालिफिकेशन आपने कहाँ तक कैसा कितना पढ़ रखा है, ये सब बताने के बाद ग्यारहवां पॉइंट आता है कि अगर आप कहीं नियोजित रहे हो, मतलब आप एम्प्लॉय रहे हो, नियोजित का मतलब एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपने इससे पहले कहीं काम किया हो किसी भी सरकारी विभाग में, तो उसकी जानकारी देनी है। बारहवां पॉइंट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, क्या आप सभी निरुद्ध किए गए हैं या मुचलका चला हुआ, मतलब आपके इसका पूरा सार मैं बता दूँ आपको। तो ये है कि अगर आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक मामला यानी भूतकाल में अगर रहा है तो उसकी जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मामला लंबित है तो भी देना ज़रूरी है, मामला ख़त्म हो चुका है तो भी देना ज़रूरी है। अगर आपने जानकारी नहीं दी और बाद में अगर उनको किसी भी माध्यम से पता चलता है तो आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है। तो इस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान दें जिनके खिलाफ़ पिछले समय में अगर कोई मुकदमा जारी रहा है, मुकदमा दायर किया गया था, तो उसकी जानकारी आपको देनी है। बारहवें पॉइंट के बारे में हम आगे और बात करें तो इसमें जो पॉइंट्स हैं कि कभी आप पे कोई अपराध हो, पुलिस थाने में पंजीबद्ध हो, न्यायालय में चलान प्रस्तुत किया गया हो, यानी ये पॉइंट जो लिखे हुए हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अगर ये पॉइंट आपके बने हुए हैं या किया दंड दिया गया हो या दोष मुक्त किया गया हो, तो इसके बारे में आपको जानकारी पुलिस को देना है, पूरा डिटेल में लिखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके खिलाफ़ जो पास्ट में अगर कोई क्राइम दर्ज है या आपके क्लास कोई आपकी रिपोर्ट लिखी गई थी, कोई केस चला था, तो उसकी जानकारी आपको इस पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में देना काफ़ी अनिवार्य है। अगर आप बाद में गिल्टी साबित होते हैं तो आपकी नौकरी जा सकती है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जो भी जानकारी दें, क्योंकि फॉर्म के ऊपर जो लाइन लिखी है उनमें यही लिखा है कि आप जो जानकारी दे रहे हैं अगर वो सत्य नहीं पाई गई तो आपको किसी भी वक्त निष्कासित किया जा सकता है, तो इसलिए आप जो भी जानकारी दें सही जानकारी दें। इसके बाद अगर आगे अपन फॉर्म की बात करें तो इसमें आपकी पहचान प्रमाण पत्र है, तो पहचान के लिए आप कोई भी लगा सकते हैं, पहचान का कुछ ऐसा खास है नहीं, नॉर्मल है। उसके बाद ये आपका एक शपथ पत्र बनता है जो 10 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे बनता है। तो आपने देखा कि ये आपका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म था जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वही है कि आपके खिलाफ अगर कोई क्राइम का मामला दर्ज है तो उसकी जानकारी ज़रूर दें। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। साथ ही मैं रिज़ल्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आपका रिज़ल्ट जो है, जो भी बता रहे हैं कि 25 मार्च तक आपका रिज़ल्ट आ रहा है, तो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरे पास कोई श्योर जानकारी नहीं है और ना ही उनके पास है, बस वो ऐसे ही बता रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका रिज़ल्ट जहाँ तक एक्सपेक्टेड है वो 31 मार्च तक आ सकता है, तो आप इंतज़ार करिए, इतना वेट किया है तो थोड़ा और वेट कर लीजिए। प्लस जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपको कैसे मेडिकल के बारे में प्रिपेयर करना है मैं सब कुछ बताऊंगा। ये चैनल केवल आपके लिए, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।